नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत। मेरा चैनल बैंकिंग विद रजत में मैं आपको स्वागत करता हूं दोस्तों। चले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी नया स्टूडेंट मेरा चैनल देखते हैं उस पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सबसे पहले आपको मिलेगा। और आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका रिक्रूटमेंट चल रहा है अभी 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 आज निकला इसका रिक्रूटमेंट। क्या क्या देखिए, क्या क्या पोस्ट है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और डेट कितना है, क्या क्या टोटल सब डिटेल में आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिखा है जे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इसका टोटल वेबसाइट है, देखिए www.aai.aero, जो येलो कलर का ब्लिंकिंग देख रहे हैं, मैं देखिए यहाँ लिखा है www.aai.aero, उसका वेबसाइट है। ठीक है, देखिए क्या क्या पोस्ट है, जूनियर एजुकेटिव, आपका बीटेक, आपका सिविल इंजीनियरिंग, और टोटल लिख रहा है देखिए इंजीनियरिंग और सिविल टोटल रिजर्व ऑन रिजर्व जनरल के लिए 50+, ओबीसी के लिए 27 और एससी के लिए आपका 15, एसटी के लिए 8, टोटल 100+ पोस्ट। ठीक है, ये देखिए दो में लिखा है, क्या है देखिए दो में लिखा है जूनियर एजुकेटिव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ये भी 50+ जनरल के लिए और 27 ओबीसी के लिए, 15 एसी के लिए, एसटी के लिए 8, टोटल 100+। ये सब पोस्ट देख रहे हैं आप, येलो कलर का लिंकिंग ये था, टोटल ये सब पोस्ट आपको लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था पोस्ट वैकेंसी। और चल देखिए नीचे क्या लिखा है, देखिए दोस्तों जो एससी और एसटी में आएगा उसको कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर लाना होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं लाया तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, और ओबीसी के लिए भी ओबीसी सर्टिफिकेट ही चाहिए आपको। ठीक है, देखिए क्या क्या पोस्ट आया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल, मिनिमम 60% आपको चाहिए। देखिए वो जो जूनियर एजुकेटिव पोस्ट है आपको मिनिमम 60% आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जूनियर एजुकेटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको भी बैचलर डिग्री होना चाहिए और इंजीनियरिंग 60 आपको सॉफ्टवेयर 60% ही आना आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो चार तरफ का पोस्ट आया है, जूनियर एजुकेटिव आर्किटेक्चर, जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रॉनिक, जूनियर एजुकेटिव इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, ये सब पोस्ट आया है। आपको क्वालिफिकेशन चाहिए जो जो लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा है सब। और देखिए दोस्तों, आपका सपोज मार्क है ग्रेजुएशन और भी जो भी डिग्री मार्क आपका सपोज 59.9 एंड समथिंग है, आप अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि आपको करेक्ट 60% ही चाहिए। आपका 59% समथिंग हो गया तो आपका नहीं होगा, आपको करेक्ट 60% ही आपको चाहिए। जो भी ग्रेड में आप अप्लाई करेंगे आपको या वही ग्रेड में आपको 60% आपको चाहिए। देखिए एज लिखा है आज ऑन नॉट मोर देन 27, जनरल के लिए 27 मैक्सिमम, ओबीसी के लिए 30 और एस एस टी के लिए आपको 32, ये सब लिखा है एज क्राइटेरिया देखिए देखिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा जो भी आपका कॉल लेटर आपको मिल जाएगा, एक ईमेल आपका ईमेल आईडी में आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्केल पे कितना है, देखिए 40,000 आपको 40,000 लगभग आपका मंथली आपको मिलेगा। देखिए बेसिक प्ले प्लस इंक्रीमेंट 33% इंक्रीमेंट आपको मिलेगा पर एनम। ठीक है, देखिए आपका ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिलेगा 28/3 से आपको 27/4 अप्रैल 27 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था अप्लाई का डेट 28/3 से 27/4 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको 300 रुपीज पड़ेगा, 300 लगेगा 300 ओनली आप अप्लाई करने के लिए ओनली। देखिए दोस्तों ये ओनली ऑनलाइन मोड है,
ऑफलाइन नहीं है, ओनली ऑनलाइन मोड आपका आपका होगा और टोटल आपको 300 ही लगेगा। और फीमेल SST और PWD कैंडिडेट को आपका पेमेंट फी नहीं लगेगा, ओनली जनरल के लिए आपको 300 रुपीज लगेगा और ओनली ऑनलाइन मोड में होगा दोस्तों। ये था एप्लीकेशन क्या क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जान और जानकारी के लिए आप जा सकते हो जो www.aiaro जो साइट लिखा है यहाँ पर, देखिए ऑफिशियल साइट में तो आपको सब बता दिया है क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एज चाहिए और टोटल में आपको बता दिया है। आप अधिक जानकारी के लिए आप टोटल वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप जाकर यहाँ वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। ये था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट और लगभग आपको 40,000 एक महीने को मिलेगा, ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ठीक है दोस्तों। मैं फिर एक बार फिर बताता हूँ कि आप जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ऐसे ही आपको नया नया वीडियो डालता रहूँगा, आप सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो भी नोटिफिकेशन बेल दबाएगा वो जो भी वीडियो मैं नया डालूँगा वो सबसे आगे उसको ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, ये था अब तक रिक्रूटमेंट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का। मैं मेरा आगे जो नेक्स्ट वीडियो में और एक अपॉर्चुनिटी लेकर आपके सामने आऊँगा, तब तक दोस्तों थैंक यू, हैव ए गुड डे।